गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी अखाड़े में अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ चुनावी रण का शंखनाद हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा पर निकली हुई है। लेकिन इस भारत छोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी भारत को जोड़ने के लिए निकल तो पड़ी है, लेकिन जो धीरे धीरे करके कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों का हाथ थाम रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको बता दें, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश के दौरान पार्टी में जबरदस्त भगदड़ मच सकती है। खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े तोड़ की आशंका है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 10 से 12 विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की खबरें हैं। हालांकि बीजेपी इस बात को सिरे से नकार रही है कि वो ऑपरेशन लोटस जैसा कोई अभियान चला रही है, लेकिन खबर है कि बीजेपी की नजर कांग्रेस के उन 19 विधायकों पर है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर चौंकाया था। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि उनके संपर्क में भी बीजेपी के कई विधायक हैं, जिन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने संगठन से ही टिकट देंगे। वहीं राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ऑपरेशन लोटस के सवाल पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जिसको भी देश के लिए कुछ करना है वो बीजेपी में रहकर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे देश में काम करना है वो किसी भी दल को चुन सकता है। अगर वो बीजेपी के साथ आकर कुछ करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? बीजेपी का काम सकारात्मक राजनीति करना है। आपको बता दें, कांग्रेस के जिन विधायकों के बीजेपी में जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है, उनमें मालवा में इंदौर और उज्जैन से 3 विधायक हैं जो पार्टी से खासे नाराज हैं। इनमें से एक की तो बीजेपी से चर्चा हुई थी कि वो 3 विधायकों के साथ बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए तो रजामंदी थी, लेकिन 2 का मामला अटक गया, इससे उनका भी बीजेपी में आना रुक गया। तो वहीं निमाड़ में एक विधायक पहले ही खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच साझा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो विधानसभा में विधिवत कांग्रेस के ही विधायक हैं। 3 विधायकों में राहुल गांधी निमाड़ से मालवा में आएंगे, तो इसी मार्ग के 3 अन्य विधायकों के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद महाकौशल और बुंदेलखंड से 2-2 और ग्वालियर चंबल अंचल से 1 विधायक की गतिविधियों पर कांग्रेस की नजर है। ये विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस की रीति नीति के विरोध में मुखर होकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। तो ये कांग्रेस की हालत, जो पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है, लेकिन अब कांग्रेस की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत जल्द कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने पर मजबूर हो सकती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।